Good morning friends, welcome to all of you in the amazing Asteno channel. This is Aditya Shi. आज के इस वीडियो में हम हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए और किसी और उद्देश्य से बनाए हैं उनके आउटलाइंस को बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स के साथ कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में अराउंड 50 आउटलाइंस कवर किए जाएंगे, 50 वर्ड्स के आउटलाइंस को कवर करेंगे। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी इंग्लिश और हिंदी एस्टेनोग्राफर एस्पायरेंट्स हैं उनके आने वाले स्किल टेस्ट में कई बार कई योजनाओं के नाम लिखवाए जाते हैं जो लिखना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही टफ होता है। सडनली हमारा ब्रेन प्रॉपरली उन वर्ड्स को लिख नहीं पाता, तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। आप इसको सीख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं और जहाँ भी आपको लगे कि इसको और सॉर्ट की जा सकती है उसके बाद भी मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, टाइपिंग कर सकता हूँ, देन गो थ्रू दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई वीडियोज़ विद द वेरी फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रधानमंत्री जनधन योजना। हाउ विल बी राइट दिस वर्ड इन शॉर्ट हैंड? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री लिख दिया हमने और जनधन, आप ध्यान से देखो तो जन के बाद डी एच ए एन है, मीन्स डी आ रहा है ना। तो हम अगर जी एन डी को अगर मैं छोटा कर दूं तो ये जनध हो गया है ना, और इसमें न लगाता हूं। प्रधानमंत्री जनधन ये फिनिश हो गया। योजना के लिए हम जैसे इंटरसेक्ट कर देंगे, मीन्स इसको काट देंगे है ना। तो ये हमारी हो गई प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब आते हैं सेकेंड स्कीम के ऊपर है ना। सेकेंड स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री सुकन्या। सुकन्या का स्पेलिंग यहाँ पे रहे, इसको देख लेंगे, एस यू के ए एन वाई ए, मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, तो ऐसे लिख सकते हैं प्रधानमंत्री सुकन्या है ना, सुख से सुकन्या करेंगे और समृद्धि के लिए सम र कर देंगे, यहाँ र समृद्धि योजना है ना। यहाँ सम र में कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको है ना, प्रधान मंत्री सुकन्या समृद्धि और ये योजना के लिए जैसे हमने इंटरसेक्ट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान है। नाउ कमिंग टू द थर्ड नंबर, थर्ड क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो बहुत ईजी है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है ना, आप जरूरी नहीं कि आप भी स्ट्रोक्स को इतने बड़े ही बनाएं, आप छोटा बनाएं, मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट एंड एट द फोर्थ नंबर द स्कीम इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधान मंत्री लिख दिया हमने, जी जी भी लिख दिया, जीवन भी लिख दिया, जीवन लिख दिया तो जीवन के बाद ये स्कीम का नाम है और स्कीम का नाम प्रॉपर नाउन होता है तो आपको थोड़ी याद भी रखनी है। देखिए जीवन ज्योति दोनों का फर्स्ट लेटर इक्वल है तो जीवन ज्योति को आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति को हम स्कीप करेंगे और बीमा के लिए बी से इंटरसेक्ट करते हैं और योजना के लिए बीमा में जैसे इंटरसेक्ट कर देंगे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई है ना। बस ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री को पूरा जरूर लिखें है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वर्ड को शुरुआत कर रहा है, अदरवाइज पूरे पीछे वाले स्कीम को पहचानने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है जब आप फर्स्ट दो वर्ड को ढंग से नहीं लिख पाते हो है ना, क्योंकि वो आपको फ्लो देती है पढ़ाई करने में। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट एंड द फिफ्थ टर्म इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए केवल सर लगाएंगे है ना, सुरक्षा हो गया, सुरक्षा यही है और बीमा के लिए हमने बताया कि बी से इंटरसेक्ट करेंगे और योजना के लिए जे से करेंगे, तो इट्स वेरी इजी टू बी रिटन। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, द सिक्स्थ पॉइंट पे क्या है? सिक्स्थ पॉइंट पे है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमने फिनिश कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, सबसे पहले तो इसको फर्स्ट लाइन पे लिखना है, ये क्लियर है, इसको फर्स्ट लाइन पे ही ड्रॉ करना है क्योंकि अ है, अ वॉवेल जो है वो फर्स्ट लाइन पे आती है, मीन्स एबव द लाइन है ना। तो अटल पेंशन के लिए इसी में अनसन लगा देंगे, अटल पेंशन योजना
बहुत ही इजी स्ट्रोक है ना। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, इसको कैसे लिखेंगे? तो महात्मा गांधी आपको लिखना बहुत ही आसान है, महात्मा और गांधी के लिए इसमें जी से ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, आप अलग भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जी से इंटरसेक्ट किया है क्योंकि साथ में लिखना है। और प्रवासी सुरक्षा योजना, तो प्र वा कर दिया, प्र वा लिख दिया। देखिए यहाँ पे प्रवासी में स यहाँ भी है, स यहाँ भी है, इसको मोटा कर सकते हैं। प्रवासी सुरक्षा, हमने बोला कि सर का मतलब सुरक्षा ही होता है स्कीम में, ध्यान रखना है। सुरक्षा योजना, योजना के लिए हम जैसे इंटरसेक्ट कर देंगे, वेरी इजी है ना, इसमें कोई डॉट ही नहीं है, कोई टफ आउटलाइंस नहीं है, बस समझना है थोड़ा आपको। अब आते हैं आठवें नंबर पे, आठवें नंबर में क्या है हमारा? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रधान मंत्री आवास के लिए केवल आप श भी देते हैं ना, क्योंकि आप देखो तो एच डब्ल्यू है ना, जब भी लिखते हैं ये कहीं एक दूसरे के साथ आता है तो हम लोग इसको ये एस वाले आउटलाइन को हम लोग स्ट्रोक को थोड़ा मोटा करते हैं ना, बड़ा सर्कल बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रधानमंत्री ये आवास शो कर रहा है योजना के लिए, हमने जैसे इंटरसेक्ट कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, बहुत ईजी है। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ पॉइंट एंड द एट द नाइन्थ नंबर देयर इज अ टर्म दैट इज सांसद, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बहुत ईजी है। शान श लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे द भी है और आदर्श भी है, मिस द जो है वो बाद में दर भी बन रहा है, मिस द को बड़ा कर रहा है, सांसद सांसद आदर हो गया आदर्श, और ग्राम के लिए श भी लिखना है ना, आदर्श है ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इस टाइप के स का ही इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझना है ना, इसमें अक्षरों में क्या होती है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट यू हैव रिटेन। तो सांसद लिख दिया शांस, और द और आदर ये दोनों साथ साथ है तो द को बड़ा कर दिया, सांसद आदर हो गया और स लगा दिया, और ग्राम के लिए हमने इसको क्लॉकवाइज लिख दिया तो ये ग्राम भी हो गया, ग्रह से ग्राम पढ़ेंगे, और रस से हमने क्या पढ़ने के लिए बताया आपको, सुरक्षा है ना, जब भी आप ऐसे लिखोगे तो सुरक्षा समझना है ठीक है स्कीम के मामले में। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना बहुत ईजी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर एंड इट्स टेंथ, टेंथ पे क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री और फसल के लिए केवल सल लगाएंगे, केवल सल और कुछ नहीं करना है, और बीमा योजना ये तो लिखने को समझा ही दिया, दोनों को बीमा को भी इंटरसेक्ट करना है और योजना को बीमा के साथ इंटरसेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रहे है ना, वरना राइटिंग खराब हो सकती है। इफ़ डिक्टेटर डिक्टेट्स यू विद मोर देन 100 वर्ड पर मिनट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, ये बहुत ईजी है। प्रधानमंत्री ग्राम के लिए बताया कुछ नहीं करना है, ऐसे ग्राम के लिए केवल ग लिख देंगे इसमें है ना, और सिंचाई के लिए केवल सच लिख देंगे, स और च, सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, बहुत ईजी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 12th, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो कुछ नहीं करना है, प्रधानमंत्री गरीब के लिए ब लिख देंगे और कल्याण के लिए तो पता ही है कलन लिख देंगे, क ल और न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। स्कीम्स में कई चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल ही डेकोरेटेड नहीं होते है ना, वो बिल्कुल ही डेकोरेटेड नहीं होते, इसलिए ध्यान रखना होता है ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नंबर 13, 13 में क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसको कवर करते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लिखना है तो प्रधान मंत्री ठीक है लिख दिया हमने, ये प्रधानमंत्री हो गया। अब इसके बाद अगर देखें इसमें तो जन औषधि है ना, मीन्स इसमें स को अगर हम छोटा करें तो सड पढ़ते हैं ना, सड तो सड पढ़ते हैं, तो औषधि में भी ड आता है, तो इसमें अगर हम ऐसे कर दें
और देखो ये जन को भी कवर करेगा, है ना। प्रधानमंत्री जन को कवर इसलिए करेगा क्योंकि ये स है तो ज को कवर करेगा, और स को छोटा किया प्रधानमंत्री जन औषधि हो गया ये, और योजना के लिए हम ज से इंटरसेक्ट कर देते हैं। इसको और भी और तरीके से लिखे जा सकते हैं लेकिन वो आउटलाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए हमने उसको नहीं लिया, इसको सेलेक्ट किया है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, प्रधान मंत्री जन औषधि योजना, वो यूँ हुआ कि प्रधानमंत्री जन के लिए एसएन लगा दिया और औषधि के लिए स और द को छोटा किया या द को पूरा लिखा समझने के लिए, और योजना के लिए ज से इंटरसेक्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंद्रधनुष स्कीम। इंद्रधनुष स्कीम लिखना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करेंगे, केवल इंद्र लिख देंगे और उसमें श लगा देंगे, और स्कीम के लिए एस के से इंटरसेक्ट करते हैं, स्कीम के लिए एस के से इंटरसेक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रहे, है ना। तो आई होप ये पूरे आपको जितने भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स थी स्कीम्स थी आपको समझ आया होगा इसका आउटलाइंस, ये बहुत ही ईजी है। नाउ मूविंग टू द 15th नंबर, मूविंग टू द 15th नंबर, एंड एट द 15th नंबर देर इज अ टर्म दैट इज मेक इन इंडिया। ये तो बहुत ईजी है, मेक इन इंडिया ऑन द लाइन लिखेंगे क्योंकि मेक है, मेक इन इंडिया, है ना। ऐसे नहीं कि इसको मेक ऑफ इंडिया मत पढ़ना क्योंकि मेक ऑफ इंडिया तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। होता है मीन्स द मेक ऑफ इंडिया ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, और मेकिंग ऑफ इंडिया हो सकता है, मेक ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। तो मूविंग टू द 16th पॉइंट डैट इज स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ के लिए ऐसे लिख दिया, ये स्वच्छ हो गया, और भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ही ईजी आउटलाइन है फ्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र ये मैंने ये लास्ट टाइम आरएस एमडब्ल्यूएसबी की एग्ज़ाम में मैंने किसान विकास पत्र को लिखा हुआ है। सो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो ऐसे आउटलाइंस को बनाने को मौका मिलता है। तो लाइक किसान, किसान के लिए केवल किस लिखेंगे, है ना, कर्ष। किसान विकास के लिए विश लिख दिया डब्ल्यू एस, और पत्र के लिए आप प को बड़ा कर सकते हो, किसान विकास पत्र, बहुत ईजी है, किसान विकास पत्र। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट डैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल लिख दिया, हेल्थ के लिए कुछ नहीं करेंगे, हेल्थ में ल तो पहले लिखा हुआ है, ह की जरूरत नहीं समझ लेना है, केवल थ ही लिखना है ना, सॉइल और हेल्थ, हेल्थ में ल लिखा हुआ है, थ ही लिखना है, और कार्ड के लिए हमने कर को छोटा किया, कार्ड हो गया, और स्कीम के लिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एक बार समझाता हूँ, सॉइल लिख दिया हमने और इसमें ल कवर किया हुआ है, हाँ ना भी लिखेंगे समझ लेना है, है ना, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए, और हमने यहाँ पे था लिख दिया तो ये सॉइल हेल्थ कवर हो गया, और कार्ड के लिए कर को छोटा किया, स्कीम के लिए एस के लगा दिया, हमने पहले ही बताया। जिन बच्चों को समझने में परेशानी हो आप सॉइल के लिए वाई का यूज कर सकते हो, जैसे बॉय लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बॉय, ठीक है, तो आप ये इसको यूज कर सकते हो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लिखने के दौरान, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट डैट इज डिजिटल इंडिया। ये तो बहुत ईजी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट पे क्योंकि डी है ना, वॉवेल ई आ रही है, तो डी जिट, है ना, ज को हमने छोटा कर दिया, और डिजिटल इंडिया आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने से और एक और तरीका जो मैं बताऊंगा उसको लिखने से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने ऐसे लिखा तो क्यों लिखा इसको भी समझाता हूँ, डिजिटल इंडिया, ये तो बहुत ईजी है ना, डिजिटल इंडिया, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि डिजिट इंडिया नहीं होता है ना, राइट, क्योंकि इंडिया की एक स्कीम है और ये नीचे आपको पता है ये ऐसे देना ही पड़ेगा आपको क्योंकि ये प्रॉपर नॉन है, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो इंडिकेट करती है कि ये डिजिटल इंडिया है, डिजिट इंडिया नहीं है, इसमें आपको सेंस लगा नहीं होगा, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट डैट इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल लिख दिया हमने, विकास के लिए केवल इसमें एस लगा देंगे क्योंकि कौशल के बाद विकास ही है, ऐसा आपको स्कीम याद होना चाहिए थोड़े, है ना, ताकि आप एक वर्ड को अगर पकड़ लो तो आगे की स्कीम को, आगे के टर्म्स को आप खुद ही रिकॉग्नाइज कर पाओ कि आगे क्या हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल और विकास के लिए श लगाई, योजना के लिए ज से हमने इंटरसेक्ट कर दिया, है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सबका साथ सबका विकास। ये तो हमेशा आता है ना, ये हमारा स्लोगन है, बीजेपी के लीडर्स दिया करते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, चाहिए ध्यान रहे इस बात का।
तो आप ध्यान से देखो, तो सबका के लिए हम एस लिख देंगे, सबका साथ सबका विकास, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब सबका साथ सबका विकास हो, इसमें से आप दो लाइन कवर कर रहे हो, मीन्स इस स्लोगन के आप केवल दो लाइन्स को कवर कर रहे हो, तो श लिख करके आपको डबल लाइन ड्रॉ कर देना है। ये सबका साथ सबका विकास हो गया, और ये आपके लिए प्रॉपर नॉन तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन जब रहेगा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन लाइन्स हो गए, तो हम लोग यहाँ पे तीन बार छोटे छोटे लाइन से, मिस हाइफन टाइप लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे। ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष वेरी इजी टू बी रिटन। मिशन इंद्रधनुष कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने मिशन, और इंद्रधनुष के लिए केवल इंद्र और श लगाते हैं। आप चाहो तो यहाँ वॉवेल दे सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल तो दीन आ रहा है ये थर्ड प्लेस पे, दीन द, दीनदयाल के लिए केवल इतना ही लिखते हैं, ठीक है। और उपाध्याय आ गया, तो उपाध्याय के लिए हम लोग प से इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान रहे। दीनदयाल को दीन द लिखते हैं, और उपाध्याय के लिए प से हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। ग्राम के लिए ग्र लिखते हैं, और ज्योति योजना है, ये ज्योति है, और योजना को चाहो तो आप इसी को बड़ा भी कर सकते हो, है ना, और इसको बीच में ऐसे ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये ज्योति का पार्ट है और ये योजना का पार्ट है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आप डबल टाइम भी इसको इंटरसेक्ट कर सकते हो, इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग ज्योति योजना, है ना, ध्यान देना इस बात को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, है ना, ये तो और भी ईजी है क्योंकि इसमें तो बड़े टर्म है नहीं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, ग्रीन लिख देंगे केवल, ठीक है। आप वॉयल दे सकते हो ग्रामीण के लिए, क्योंकि लास्ट में वॉयल ई आ रहा है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी दे सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, है ना। तो पंडित जब भी आए तो आप ऐसे कर सकते हो, पंडित ये लिख दिया हमने, और पंडित ये P4, ये मैंने ऐसे सीखा कि जब भी हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना होता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऐसे लिखते हैं P और जवाहर को छोड़ते हैं और हरू लिखते हैं, है ना, क्योंकि जवाहर में भी हर आ रहा है और नेहरू में भी हर आता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे लिखते हैं, ये इससे ईजी तरीका नहीं हो सकती पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने की। तो वहीं से हम देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, तो ऐसे लिखेंगे, पंडित के लिए प लिख दिया, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप जब श्रमेव लिखोगे तो ये जयते लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि श्रमेव है तो जयते ही आएगा। फिर से लिखता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप योजना लिख दोगे, ठीक है, वेरी इजी टू बी रिटन, है ना। ये थोड़ी बहुत ये डिफ़िकल्ट है इसमें, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। अटल मिशन फॉर रिजुबनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये एक अच्छी मिशन आई थी, अटल मिशन, अटल है तो इसको फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, अटल लिख दिया, और ये मिशन लिख दिया, अटल मिशन, क्लियर है। और अटल मिशन फॉर रिजुबनेशन, है ना, रिजुबनेशन को आप कर सकते हो रेशन लिख सकते हो, है ना, रिजुबनेशन, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हमने ऐसे लिखा, आपको इसकी बेनिफिट दिखेगी। सबसे पहले आप और कोशिश करो कि आप सारे स्कीम्स को एक बार इसमें बारी बारी से आप पढ़ लो, है ना, उसके बाद आउटलाइन से खुद से कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको कई वर्ड्स जो होंगे, कई स्कीम्स के नाम जो होंगे वो याद हो जाएंगे, और वो होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, अटल मिशन फॉर रिज्यूबनेशन हमने लिख दिया, रेशन से हमने रिज्यूबनेशन कोड कर दिया, अटल मिशन फॉर रिज्यूबनेशन एंड अर्बन, अर्बन के लिए अर तो लिखा हुआ है इसमें रिज्यूबनेशन में ही, तो अर्बन के लिए केवल बन लगाएंगे, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल एनसन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल इसमें सेशन लगा दिया हमने, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर आप इस मिशन को अगर आप एक बार पढ़े होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ये ऑलरेडी क्लियर होती है, लाइक अटल मिशन फॉर रिजुबनेशन एंड अर्बन
ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन, तो स्वदेश, स्व हमने लिख दिया और देश यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि द के बाद ये दर भी आ रहा है सेकंड टर्म में, है ना। तो द में क्या किया जाए जो कि वो दर बना दे, तो आपको पता है कि वैसे टाइम पे हम लोग को स्ट्रोक को डबल करना होता है, है ना। तो ये हमने द को बड़ा कर दिया, ये स्वदेश दर हो गया, स्वदेश दर। सन लिख दिया, स्वदेश दर्शन और योजना के लिए हमने जैसे इंटरसेक्ट कर देना है, ये बहुत ईजी है। स्वदेश दर्शन योजना, स्व लिख दिया, द को बड़ा किया, स्वदेश दर हो गया, और सन के लिए ये हमने सन हुक लगा दिया और योजना के लिए ज से इंटरसेक्ट कर दिया, स्वदेश दर्शन योजना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कृषि आमदनी बीमा योजना। कृषि आमदनी, कृषि, कृषि ये कृषि लिख दिया हमने, और आमदनी के लिए म को छोटा करेंगे, इसमें डी है, है ना। तो आमदनी इसमें ना लगा दिया, ठीक है। और बीमा योजना के लिए बी से इंटरसेक्ट करेंगे और इसको जैसे इंटरसेक्ट कर देंगे, कृषि आमदनी बीमा योजना, ठीक है। सो बिफोर प्रैक्टिसिंग इट, फर्स्ट वॉच ऑल द टर्म्स दैट इज फ्रॉम स्कीम्स ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फर्स्ट रीड देम आउट, देन स्टार्ट राइटिंग। कृषि आमदनी बीमा योजना, कृषि लिख दिया हमने और आमदनी के लिए म को छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे एम डी आ रहा है, राइट। तो एम को छोटा करेंगे, ये आम ड हो गया, और न के लिए हमने न हुक लगा दिया, कृषि आमदनी बीमा और ये योजना। आप चाहो तो ये आमदनी के लिए यहाँ पे आई आ रहा है वॉवेल, तो आप यहाँ पे एक वॉवेल दे सकते हो, है ना, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई होप इट हैज़ बीन फिनिश्ड। सो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।